अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बट्टा फास्ट। आई एम मेहर नकवी, मैं साधु स्मार्ट समयुद्दीन, और बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत कमिजरेशंस हो। मेरी ट्रोल्स के लिए फेवरेट रिप्लाई जो था, मेरा जो फेवरेट रिप्लाई था वो मुझसे छिन गया है। इंडिया बिलाखिर एक ICC टूर्नामेंट जीत चुका है, द वर्ल्ड T20 चैम्पियंस। मिलियन डिफरेंट थिंग्स टू डिस्कस ऑन दिस एपिसोड। तो उस्मान, आपसे शुरू करते हैं कि भाई कितने खुश हैं आप, आपके बॉसेस ने कितनी मिठाइयाँ बांटी क्रिक इन्फो, जिसको हम किसी और नाम से भी पुकारते हैं, बट यू नो वी डोंट वांट टू गेट इन ट्रबल, और उस्मान यू डोंट वांट टू गेट मी इन ट्रबल। या एचआर से फिर से क्या आई मीन आई गेस My first immediate sense जब भी हुआ था, जैसे ही वो आखिरी बॉल बोलो, या I don't even remember now कि आखिरी विकेट गिरी थी, नहीं आखिरी बॉल जब बोलो, इनफैक्ट जब क्लासन आउट हो गया था बेचारा, जब क्लासन आउट हुआ है पांड्या पे, और फिर जाहिर हो गया, साफ जाहिर हो गया था कि ये इंडिया जीत जाएगा, there's no way they're going to chase this down without क्लासन there, Marco Jansen was having an all time bad day, उस वक्त मुझे लगा my first sense was, well this was inevitable, होना तो था ना, इतने साल से जो इंडिया ने एक आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती थी और फाइनल्स में हार रहे थे और वो चोक का टैग लगा हुआ था, तो इस बार जब वो रियलिटी आई के हाँ जीत रहे हैं ये लोग, तो आई थिंक माय फर्स्ट सेंस वाज के हाँ यही तो होना था, बिकॉज फॉर इयर्स एंड यू नो इट्स हम वो सब चीजें भी डिस्कस करेंगे जो उनकी जो रिसोर्सेज हैं, जो पाथवे टू द फाइनल, ये सब बकवास जो भी अंपायर्स ने देखा नहीं कि बाउंड्री पे उसका पैर लग गया या ये वो सब हम डिस्कस करेंगे, आप बेफिक्र रहिए, लेकिन वो सब अगर नहीं भी होता ना तो एक ना एक दिन इंडिया को जीतना है, बिकॉज फ्रेंकली द बॉटम लाइन इज कि उनकी टीम है वन ऑफ द बेस्ट टीम्स गोइंग राइट नाउ। अभी मैं शेयर करा था हम लोगों ने ग्रुप में, मेरी कंपनी ने एक लगाया था, ट्वीट लगाया था कि विच एरा डू यू लव द बेस्ट आउट ऑफ इंडियन क्रिकेट since like 2000, और उसमें एराज थे, एक तो गांगुली राइट, धोनी कर्स्टन, द्राविड का भी एक साथ शायद था बीच में या शायद नहीं था, फिर शास्त्री एंड कोहली, नाउ रोहित एंड द्राविड, एंड मुझे ये लगा कि यार एक्चुअली आप इंडियन क्रिकेट की ये सेंचुरी देखें तो वाकई में इट्स वेरी क्लियर स्टेबल डिवाइडेड एराज एंड एरा ऑफ प्रोग्रेस ऑल द वे थ्रू, राइट गांगुली से, धोनी कर्स्टन से, शास्त्री कोहली से, ऑल द वे थ्रू दे हैव बीन प्रोग्रेसिंग, समटाइम्स फास्ट प्रोग्रेशन, समटाइम्स मोर ग्रेजुअल, लेकिन प्रोग्रेस कर करके आके नाउ दे आर यू नो दे गॉट टू द फाइनल ऑफ द ओडीआई वर्ल्ड कप, दे गॉट टू द फाइनल ऑफ द WTC एंड दे वन द T20 वर्ल्ड कप, दैट्स लाइक अ दैट्स द साइन ऑफ अ ग्रेट साइड बेसिकली। तो आई थिंक ये थोड़ी सी एक कोऑर्डिनेशन थी उनकी विनिंग दिस टूर्नामेंट, and my immediate thought jab maine wo tweet dekha about the eras was trying to count how many eras Pakistan cricket has had in the time of the four Indian eras of this century. Well it's like don't apples and oranges comparison hai, but agar match ki taraf aate hain jo mujhe ek to I think you know Indian team ki legacy ke bare mein baat karenge, but shuru karte hain agar match se, to ek cheez jo mujhe hit ki thi ke jab match khatam hua, just in line with what you're saying, तो हार्दिक पांड्या उधर ही खड़े खड़े पिच पे गिर गया, रोहित शर्मा भी पिच पे जमीन पे गिर गया था, देयर वाज सो मच मोर लाइक रिलीफ देन लाइक जस्ट अनब्राइडल्ड जॉय, लाइक के यू नो हर टीम की अपनी जो सेलिब्रेशंस भी होती हैं उससे भी आपको एक अंदाजा होता है ना कि किस तरीके की विक्ट्री थी है। लाइक आई वॉज रिमाइंडेड ऑलमोस्ट ऑफ जैसे अभी NBA में सेल्टिक्स की टीम जीती थी, कोई चार दफा you know they'd come very close and then get there, so there was a lot more relief than like maybe I was watching the final where Bradford hit those four sixes, wahan pe West Indies ki team was actually like angry celebrating like woh bhi bahut zabardast thi, aur bahut different team from like India right now, aur usme obviously Indian team ke journey aur khaas taur pe jo unke kuch bahut sare bade naam jo hain who've like gone through you know the 2017 Champions Trophy final, two WTC finals, the ODI World Cup final, and uske alawa you know perennial semi-finals at least, but you know so ye ek to unka relief tha, aur phir jab aap match ki taraf aate hain, one of the great finals
in world T20 history, like cricket history as well, usually finals itne underwhelming hote hain. Aur T20 finals tend to be closer, but this was like pretty much a classic match. Jahan se, you know, South Africa ki choking or history or ye or wo, or Usman, one of the main culprits, because Usman ne wo Somalian pirate wala meme share kar diya tha, ke, look at me, I am the choker now. When South Africa still needed like 30 or 25 runs. That was when Usman. Yeah, so, you know, jumping the gun wahan pe India, aap inko shukriya ada karna chahein. I will just share good content. Meri job is zindagi mein main content acha produce karu aur share karu. To main sirf aur sirf Usman is not a content person. Theek hai, aur matlab bilkul bhi ye moment nahi tha. No one is looking ki yaar memes nahi aaye, Usman se bolo zara memes to bheje. Theek hai, ye aapka role nahi tha. और वही पाकिस्तान ने अगर इस सबक सीखा है इस वर्ल्ड कप से, तो लोग अपने रोल में सही नहीं खेलते हैं, और उस्मान उसकी एक जीती जागती मिसाल है. बट उस वक्त उस्मान ने जब मीम भेजी, फॉर इंडिया टू टर्न इट अराउंड वाज रियली स्पेक्टेकुलर. आप जो भी कहें कि साउथ अफ्रीका और प्रेशर और एंड नो डाउट दोज थिंग्स मैटर, आई थिंक कि अगर उसको आप उसको हटा भी दें इस नैरेटिव को और मैच को सिर्फ टैक्टिकली भी देखें, तो यू नो क्लासन की मिसाल के तौर पर I was shocked. Like he was striking 140 against spinners and like 80 against pacers. Like 80 is like, you know, one of like Mansoor Rana type. Like, ये और वो एक South African गोरा, मतलब मुझे यकीन नहीं आता. But that was the thing, right? Like मुझे मेरी रिहान से बात हो रही थी, and during that match, and रिहान and a lot of other contemporary T20 coaches बहुत ज़्यादा matchups के बारे में बात करते हैं, जो अभी तक हमारी ब्रॉडकास्टिंग और एनालिसिस का हिस्सा नहीं बना. लाइक आई थिंक इट वुड बी रियली ग्रेट व्हेन अ मैचअप कम्स अप, लाइक सम फ्लैशिंग लाइट कम्स ऑन, बिकॉज मिसाल के तौर पे व्हेन क्लासन कम्स अप अगेंस्ट अक्षर पटेल, दैट वाज हिज मैचअप एंड ही एब्सोल्युटली डोमिनेटेड दैट. और मैंने ये सवाल पूछा था जब इंडिया की बैटिंग हो रही थी, 3 विकेट गिर चुकी थी, दे सेंट अक्षर इन, एंड आई वाज लाइक रिहान, यू नो, जस्ट अगर तुम अभी डग आउट में होते तुम क्या सोच रहे होते. एंड ही वाज लाइक, आई एग्री विद द फैक्ट कि इन्होंने एक लो वैल्यू विकेट भेजी अक्षर के फॉर्म में, ताकि अब ठीक है ऊपर से विकेट गिर गई है बट स्कोरिंग बरकरार रहे, तो इट्स बेटर कि समबडी लाइक हिम जो अगर आउट भी हो जाता है तो इतना ज़्यादा नुकसान ना हो. दूसरा उसने कहा कि कोहली ठीक है लंबा खेले, बट उसको अपने आखिरी 10-15 बॉलों पर 200 की स्ट्राइक पर खेलना होगा, विच ऑब्वियसली ही इज़ डन लॉट ऑफ टाइम्स. एंड रिहान वाज लाइक, यू नो, देयर इज़ वेरी फ्यू पीपल दैट यू कैन से कि हाँ ठीक है उनका बनता है इतना इतनी बॉलें जाया करने का, कोहली हैज दैट ट्रैक रिकॉर्ड एटसेट्रा. कोहली की इनिंग्स पे एनालिटिक्स वगैरह वो अपनी, देयर इज अ बिग डिबेट अपनी तरफ, बट रिहान मेंशन दैट कोहली लास्ट 10 बॉल्स ही स्ट्रक एट 236. और फिर उसने रिहान से कहा था कि उसके जब भी मैचअप आएगा, चाहे जो भी मैच सिचुएशन हो, दैट्स व्हेन ही हैज़ टू डोमिनेट. कोहली का मैचअप क्या है, लाइक ही इज ग्रेट अगेंस्ट एवरीवन, बट व्हाट आई रियली नोटिस वाज, आई थिंक आई हैव हर्ड दिस फ्रॉम सेवरल प्लेयर्स, कि रोहित और कोहली में एक फर्क ये है कि लाइक यू कैन, लाइक कोहली इज जस्ट लाइक, यू नो, इन दैट वेज कि ही व्हेन ही इज रियली रियली एक्सेलेंट, ही इज द बेस्ट यू कैन पॉसिबली गेट. बट रोहित कैन समटाइम्स प्ले शॉट्स दैट मेक नो सेंस. और इस टूर्नामेंट में कोहली जितना आउट ऑफ फॉर्म था, इस फाइनल में जितना आउट ऑफ फॉर्म था, यू नो, रोहित इवन इन हिज वर्स्ट फॉर्म कैन स्टिल हिट सम क्रेजी काइंड ऑफ शॉट्स. आई जस्ट थॉट इट वाज स्टाइलिस्टिक डिफरेंस इन द टू. खैर, maybe Kohli doesn't get his matchups, but other than that, India played this tactically really well in that batting up way. Aur phir bowling mein, there's big question marks about why they gave that over to Akshar and the win and the fact that there were two left-handers playing. Magar uske ilawa, uske baad jo the bowling they did right at the end was nothing short of spectacular. Yeah, absolutely. And that, you know, it just goes to show, I think puri performance aap dekhen India ki throughout this World Cup, aap dekhen, you can really see the imprint of how they think about the game, the format, specifically the format. You know, aap Kohli ko bhi dekho, KK wrote a really nice piece for us actually. Likha to tha usne Rohit ki innings pe in the semi-finals, which was an outstanding innings that he played. Yeah, it was the semi-finals, I think he was talking about when they beat England. Yes, it was, because that was a difficult pitch and Rohit, you know, intent usme bhi, but he said that कोहली के जितने भी कम रन बने हैं ना, यू कैन स्टिल सी दैट ही इज ट्राइंग टू प्ले इन द वे दैट द टीम नाउ थिंक्स अबाउट प्लेइंग द गेम.
यानी आप अटैक करो, आप इंटेंट दिखाओ शुरू से, डोंट वेस्ट टाइम, डोंट यू नो गो इट, डोंट डू ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ. सो यू कुड सी दैट थ्रू आउट इंडियाज परफॉर्मेंसेस फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश. यू कैन सी दैट दे दिस इज क्लियरली द्रविड एंड रोहित एंड वेटरन्स लाइक कोहली एंड दे ऑल पांड्या हिमसेल्फ, यू नो दे ऑल लाइक गुड थिंकर्स अबाउट द गेम और एक स्ट्रैटेजी के साथ खेल रहे हैं. एंड यू कुड सी दैट थ्रू आउट द फाइनल. कोहली की इनिंग्स के बारे में द इंटरेस्टिंग थिंग, लाइक आई गेस यू नो लोग अभी भी कहेंगे कि यार बुमराह ने उसे बचा दिया उसकी इनिंग्स को, लाइक अदरवाइज इट वाज अ टेरिबल इनिंग्स. आई थिंक द पॉइंट इज स्पेशली इन अ क्रंच गेम लाइक दिस कि आप उस इनिंग्स को वैक्यूम में नहीं देख सकते. यू नो यू हैव टू, इट्स सिम्बियोटिक राइट, दैट इनिंग्स कुड ओनली बी एन इनिंग्स विद बुमराह इन योर साइड, विद पांड्या इन योर साइड एज एन ऑलराउंडर हु कैन बॉल दोज ओवर्स. And it makes sense. And Bumrah's performance can only happen if Kohli had made those runs, you know, in the first place. So sometimes, like, हम लोग T20 को analyze करते हैं, देखते हैं, तो हम लोग सिर्फ in vacuum देखते हैं. We forget the impact of things on each other throughout a game. So Kohli's innings, Bumrah ने बचाया उसे, या Kohli की वजह से Bumrah could do what he did. But coming to the bowling, एक चीज अगर Kohli पे मैं just quickly बोलना चाहूँगा कि मुझे भी यही सवाल था कि वो कोहली की इनिंग्स इतनी खराब जा रही है ब्ला ब्ला, बट ऑब्वियसली टूर्नामेंट्स और फाइनल्स राइट, लाइक वी रिपीटेडली सीन के टूर्नामेंट्स में, बोथ वाइट बॉल टूर्नामेंट्स में, जो भी उस जमाने की क्रिकेट के रन वंस बन रहे हैं, दे ऑलवेज कम डाउन, द स्कोरिंग कम्स डाउन. और दूसरा कि ये फाइनल्स का आज तक वर्ल्ड टी ट्वेंटी फाइनल का सबसे बड़ा स्कोर था. तो यू नो लाइक You can pick out like little passages. Kohli ne, for example, I think चौथे over से लेके 11वें या 12वें over तक, maybe even later, उसने एक भी boundary नहीं मारी. Longer. It wasn't longer. Until the death 15, 16 तक उसने एक भी boundary नहीं मारी. उसने उससे ज़्यादा intent भी नहीं दिखाया. उसके attacking shots भी बहुत कम थे उस time में. So you can pick the bones out of this. At the end of the day, he's sitting there in his last T20 international for India as the player of the final, of a final in which they won. Conversation essentially ends there. You know, bottom line ये है कि वो जीता हुआ बैठा हुआ है. He is a great. There's no doubt about that. And he signed off his international T20 career in great style. All that is left for him to do now is for once win the goddamn IPL with his beloved RCB. वो किसी तरह से जीत जाए ना तो फिर वो वाकई में he can kiss the format goodbye and say कि बस यार मेरी अब career पूरी खत्म है. But I wanted to talk about Pandya and Bumrah. So Pandya took that crucial wicket. और जब मैं पहले देख रहा था ना वो जो उसने wicket लिए Klassen की, I initially thought ki yaar, and even I was talking to like people, the writers who were there for us, sab keh rahe the ki yaar ye bahut hi faarig kisam ki ball thi, he got lucky. And there is that element, of course, you know, T20 mein aapko koi itni zabardast bowling nahi karani hoti hai to get wickets, because getting wickets actually, there's an argument jo Ashwin theory put forward karta hai, which is a very relevant one, ke you don't bowl to take wickets, you shouldn't bowl to take wickets, you should bowl to actually stop runs or whatever, dot balls. विकेट हो जाती है तो हो जाती है, इट्स गुड इनफ. बट एक्चुअली इट वाज अ प्रीटी स्मार्ट बॉल बिकॉज ही केप्ट इट आउट ऑफ रीच ऑफ क्लासन, उसकी जो व्हील हाउस है थोड़ा सा उससे बाहर रखा, एंड इट वाज अ कटर, सो समथिंग वाज गोना हैपन वंस इट हिट द पिच. यू नो इन दिस केस इट डिडंट मूव और एनीथिंग, बट इट बाउंस्ड अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा बिकॉज ऑफ द कट दैट ही गेव. सो इट लुक्ड लाइक अ पुअर डिलीवरी, ऑन बैलेंस इट प्रोबब्ली वाज, बट देयर वाज सम स्मार्ट थिंकिंग बिहाइंड इट, इट गॉट द विकेट. नाउ द ऑपोजिट ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट और दिस थियरी जो अश्विन कह रहा था इज बुमराह की बोलिंग. आई जस्ट, मैं थोड़ा सा ना, क्योंकि हम भी पैसे कमाएं तो इस पे आई फील कि अगर लोग इस तो क्लिप वायरल जाए, शेयर करें वगैरह, आई वांट टू आइडेंटिफाई समथिंग, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया के सबसे ज्यादा फैंस और हमारे शो पे व्यूअर्स और कॉमेंटर्स, और इंडिया इतने अच्छे से डोमिनेंट है, तो वो यू नो एक तो फैन है जो आपको ट्रोल कर रहा है, या आपकी यू नो प्यार से करे या गालियों से करे, आपको कह रहा है भाई तुम लोग फारे हो ये वो. बट देन हमारी उम्र के जो फैंस, इंडियन फैंस हैं, ऑब्वियसली नॉस्टैल्जिया की इतनी पावर है कि वो अक्सर यार अभी भी याद है क्या है? पाकिस्तान के पेसर होते थे, ये होता था, वो होता था. लाइक पीपल आर एज, ओल्डर मिलेनियल्स फ्रॉम इंडियन फैंस, रियली यू नो उनकी टीम की एक सर्टन वाइब थी जो बहुत ज्यादा बदल गई है, as we talked about in those eras. और एक चीज यही थी कि ठीक है जितना भी इंडिया सक्सेसफुल हो, लाइक यार पाकिस्तान के जो पेसर्स होते थे, तो आप लोग के जो खासतौर पर डायस्पोरा में बैठे हैं, आप लोग देखें ताकि हमें पैसे भी ज्यादा मिलेंगे, आप लोग के लिए ये अगला सेगमेंट है, क्योंकि पाकिस्तानी अब नाउ
बुड्ढों की जो एक पॉडकास्ट थी पेसेस पेस, यार पाकिस्तानी पेस चाहे वो इफेक्टिव हो, एनालिटिकल हो, जो कुछ भी हो, उसके जो जो सबसे बड़े लवर्स थे उन्होंने जो एक ग्रुप बनाया हुआ था उस पे कल ना ही सिर्फ ये बहस हुई बल्कि बहस का अख्तिताम भी यही हुआ कि आई एम गोना से द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग, जसप्रीत बुमराह वसीम अकरम से बेहतर है। ठीक है, मतलब अब आप वही सोचें कि बात चाहे वो आप किस हद यकीन तक बात करें, लगी अग्री है। करें, नहीं करें, कि यहां तक वही जैसे अहमद शहजाद बाबर को डिस्कस करने लगा था ना, कि जब डिस्कशन ही यही आ गई है तो सब कुछ बदल चुका है। एंड फॉर मी ऑब्वियसली देर वॉज लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आई वुड मेक अगेंस्ट बुमराह। एक जो बहुत बड़ी बात थी कि भाई मोमेंट्स मोमेंट्स ये वो इन अ वर्ल्ड कप फाइनल, लाइक वैसी ही इज एन अमेजिंग स्किल्ड बॉलर, बट वॉट ही डिड दोज मोमेंट्स, एंड उस्मान यू रियली रिटन रियली रियली ब्यूटिफुली अबाउट बुमराह, सो टेक इट अवे, वॉट अ मोमेंट दिस वॉज फॉर इंडियन फास्ट बॉलिंग। Wait, you cut off there completely. Sorry. मैं कह रहा You था कि said यू've उसको रिटन रियली ब्यूटिफुली हाँ ऑन तो ऑन बुमराह एंड बुमराह प्लेस इन इंडियन क्रिकेट, सो या टेक इट अवे जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड कप विनर। डोंट पुट एनी प्रेशर ऑन विद दैट बिल्ड अप। आई यार बेटर द बॉटम लाइन इज देन वसीम। देर इज नो बॉलर, नो फास्ट बॉलर दैट आई लाइक वॉचिंग मोर एंड दैट आई हैव लाइक वॉचिंग मोर एंड गॉटन मोर एक्साइटेड अबाउट हिज स्पेल्स टू वॉच over the last 5 6 years then बुमराह। यानी इसमें कोई शक नहीं है कि आप मैंने यू नो मेरी एक जो ऑब्जर्वेशन थी फाइनल की उसकी बॉलिंग की ये थी कि आप उसे रेड बॉल दे दो, आप वाइट्स में उसे पहना देते, जिस तरह की वो बॉलिंग इस फाइनल में करा रहा था ना, उससे ये आपको पता नहीं चल रहा था कि कौन से फॉर्मेट में बॉलिंग करा रहा है। उसकी जो लेंथ थी, उसकी जो स्पीड थी, उसकी जो मूवमेंट जो वो निकाल रहा था बॉल के साथ, नई बॉल के साथ, जो बॉल थे यार, खुदा का खौफ करो, जिस बॉल से उसने रिजा हेंड्रिक्स को आउट कर रहा है। यार रिजा हेंड्रिक्स बेचारा वैसे ही उसका बहुत ही बुरा टूर्नामेंट चल रहा था, लेकिन किसी तरह से साउथ अफ्रीका फाइनल में पहुंच गए। रिजा हेंड्रिक्स को खींच खिंचा के वो क्या, नहीं यार ये खेलेगा, हमारी टीम में रहेगा, जो भी है, रन नहीं बन रहे हमारे पास और ओपनर भी नहीं है, हम खिलाएंगे इसे, खिलाया ओनली फॉर हिम टू रिसीव दैट बॉल इन द फाइनल। लाइक उस बॉल के साथ द ओनली वे टू कोप विद दैट डिलीवरी इज काइंड ऑफ टू बी प्राउड टू बी द गाय हु गॉट आउट ऑफ दैट डिलीवरी, कि देखो यार मुझे तो इस बॉल से उसने आउट करा है, वरना तो लल्लू पंजू बॉल पे, जैसे क्लासन तुम जिस तरह से आउट हुए हो पांड्या के बॉल पे, मुझे देखो मुझे तो सही सीट मिली थी। सो फॉर हिम टू बी एबल टू बोल दैट एंड देन कम बैक एंड बोल, यू नो Marco Jansen is a promising all-rounder at best. He's a promising short-form batter. I think, you know, he can do stuff. He's got some actually long form runs. कर सकता है वो। उसे जिस तरह से इसने आउट करा है, एंड यू नो अबव ऑल दैट पूरी गेम में जो जिस तरह से ebb and flow हो रहा था गेम का, यू नो इट वॉज बिल्डिंग टू दिस मोमेंट। सो वेन क्लासन टुक दोस 24 ऑफ अक्षर्स ओवर, उसी वक्त से या क्लासन जब पार्टनरशिप बन रही थी मिलर के साथ, उसी वक्त से बात ये चल रही थी कि अच्छा बुमराह कब आएगा वापस, बुमराह कब आएगा वापस। The only decision Rohit Sharma has to make now, the only decision, they're in a goddamn World Cup final, the only decision he has to make now is Bumrah ko kab wapas lana hai, which, if you rewind, I don't even know, 32 years now, 32 saal ho gaye na Pakistan ko jeete hue, us final mein Lamb aur Fairbrother ki partnership ho rahi thi, and the only decision that Imran had to make was ki main Wasim ko kab wapas launga, because ye banda mujhe match या तो ये इतना कोई इफेक्ट नहीं करेगा या ये मैच जिता के जाएगा, मगर मुझे इसकी चांस अभी लेनी है। एंड दैट रोहित ब्रॉट बैक बुमराह एक्चुअली इन ओवर अर्लियर देन ही वुड डन यूजुअली, बिकॉज उसे लग रहा था कि यार हाथ से थोड़ा सा ये बाहर निकल रहा है मैच, या काफी 24 निकल रन में। चुका था, मतलब एग्जैक्टली, तो मैच आई हाथ हैव से टू बाहर ब्रिंग ही हिम गया। बैक, या आई हैव टू ब्रिंग हिम बैक। एंड द वेरी फर्स्ट बॉल दैट ही बोल्ड ऑफ दैट स्पेल, डेविड मिलर फेस कर रहा था, एंड उसने जिस तरह से डेविड मिलर को बीट करा है, इट वाज बेसिकली द मिरर इमेज ऑफ वसीम बॉलिंग टू लैम, वो अंदर आके बाहर निकली है, ये आउट नहीं करा, लेकिन पहली बॉल से मिलर और क्लासन को पता चल गया, अच्छा बच्चे जो हम लोग अभी जो गेम खेल रहे थे ना, अब वो सब भूल जाओ, ये हमें 2 ओवर बस निकालने हैं और कुछ नहीं करना है, ये हमें 2 ओवर किसी तरह से 12 बॉल बुमराह की, हमें हम 3 रन बना ले, हम 4 रन बना ले, जो भी, दैट्स अ बोनस, हमें निकालना है, हमें आउट नहीं होना। That very first ball showed, and you know, so
ये जो है ना, दिस इज व्हाट पुट्स हिम फॉर मी, दिस इज व्हाट पुट्स हिम इन लाइक व्हेन यू टॉक अबाउट योर ग्रेटेस्ट एंड ऑल दिस क्रैप हम लोग जो करते हैं, यू नो बेसिकली वी टाइम वेस्टिंग, बट दिस इज व्हाट पुट्स हिम इन दैट लीग ऑफ बकूम एंड गाइज लाइक मग्रा एंड गाइज लाइक मलिंगा. By the way, let's not forget somebody, white ball genius, legend like Malinga, जिनको आप बॉल जब देते थे ना तो यू एक्सपेक्टेड द गेम टू चेंज, कि अब जो ये गेम चल रही है हम इसे बॉल दे रहे हैं, अब ये इस गेम को ये यहां पे ले जाएगा और ये अलग एक गेम चल जाएगी. लाइक ही इज क्रिएटिंग दैट पैरेलल यूनिवर्स एंड टेकिंग द गेम देयर सो दैट यू कैन गो बैक एंड से के व्हाट इफ बुमराह डिडंट कम एट दिस मोमेंट इन द 15th ओवर, साउथ अफ्रीका वुड हैव गॉन एंड वन इट, एक्सेप्ट बुमराह केम एंड ही स्क्रूड इट राइट अप एंड India won somehow. You know, it's that level of greatness. So, and you watch this anyway. Tum Bumrah ke maine last two test spells dekhe was against England in the series against England earlier this year. You watch him. Anytime he comes on, you expect something to happen and something does happen, which is that intangible quality, I guess, jo Wasim jaise bowlers laate the. I think ke jo मैं तब भी अपने आप को उसमें शामिल करूंगा कि जो कुछ कंप्लेंट्स बुमराह के खिलाफ के एक क्या रस कर रन अप सच एन ऑकवर्ड ऑफुल रन अप, इट लुक्स लाइक वो जो पेनल्टी किक्स में लोग साइक आउट कर रहे होते ना कीपर को, अब टू स्टेप्स के लाइक आ रहे नहीं आ रहा, यू नो कि वो बिजली आ रही है नहीं आ रही है टाइप सिचुएशन. या एंड देन के ऑब्वियसली ही इज अ रियली सॉफ्ट स्पोकन नॉन काइंड ऑफ एक्सप्रेसिव प्लेयर, जहाँ पे ऑब्वियसली इतने अच्छे से क्रिकेट में फास्ट बॉलर्स के साथ वही क्लीशे सौता है गाली देता है और ये करता है वो करता है, ऑब्वियसली यू नो आई लव द शोमैनशिप, बट आई थिंक जो मेरे ये खुद भी इन सारे कंप्लेंट्स शिकायत का जो जवाब था कि जो बुमराह की बॉलिंग है, लाइक यू जस्ट सेड, एक तो ये है ना कि भाई वो आके आपको पता है कुछ होगा, बट इट्स नॉट जस्ट कि कुछ होगा कि you know, like McGraw was not that exciting to watch, even though like narratively बहुत exciting था. But Bumrah की bowling just, if you, especially these last two World Cups, like in big games, maybe not that final against Australia, but otherwise, like आप उसकी विकेट भी उठा के देख लें, with something you were saying, it, you can't tell the format. You know, that's, he's bowling such brilliant deliveries. जो Jansen और Shadab को जो उसने bowling कराई है, तो you know, yes, those weren't batters of the highest quality or whatever, but those deliveries would have taken out like acche se acche ballebazon, khas taur pe match ki us position mein. Aur usi ke sath sath main ye bhi soch raha tha ki T20 mein jo ek hamesha se wo hota tha ki yaar iske na char over to hame kya kehte hain, like you know we just can't take any risk, iske char over to zaya honge, 16 over mein banana hai, aise bowler aate rahe hain aur अक्सर वो स्पिनर होते हैं जो पावर प्ले में करा रहे होते हैं, तो आपके पास नारायण हो गया, सैमुअल बद्री हो गया या राशिद खान हो गया, और यू नो बीच बीच में आपके मे बी लाइक मुस्तफिजर के एक दो साल ऐसे थे, बट बुमराह की, और वहां पे हमने पहले भी ये यू नो ऑफ कैमरा बात की थी कि वसीम ऑब्वियसली हैज द लॉन्गजेविटी गोइंग फॉर हिम, मगर बुमराह की एटलीस्ट T20s में एक पेसर की ये दहशत होना, फॉर लैक ऑफ अ बेटर टर्म, ये काफी अनप्रेसिडेंटेड. You know, like again, like you had certain bowlers in ke khilaf ko bata hai ki haan theek hai ab ye, you know, ye char overs aaye hi honge aur wo Bumrah ke saath bhi ho raha hai, but Bumrah is bowling at the death as well, like I can't think of any of those bowlers, you know, the Rashids and Badris and Narayans bowling. Kal Fernando ne hamare liye jo piece likha tha, Andrew Fernando ne, on Bumrah as player of the tournament, usme usne uski stats dikhai thi from the last three T20 World Cups, and he missed one obviously, usne ek miss kara tha Australia wala jo tha, un tino World Cups mein iski economy I think power play mein aur death overs mein head and shoulders better than anybody's, and in the middle overs he's like second or third, you know, economy pe. So like वो जैसे अभी जिस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं ना, और इस टूर्नामेंट में जो उसके फिगर्स थे, यू पुट देम ऑन अ सेपरेट प्लेन टू समबडी एल्स, एंड अगेन गोइंग बैक टू दैट, यू नो कि पता नहीं चलता है कौन से फॉर्मेट में बोलिंग करा रहा है, तुम इसकी विकेट्स देख लो, लाइक सम ऑफ हिज मोस्ट मेमोरेबल विकेट्स, सो द शॉन मार्श LBW इन अ टेस्ट मैच इन ऑस्ट्रेलिया, लास्ट बॉल बिफोर लंच स्लोअर बॉल, ओली रॉबिन्सन को स्लोअर बॉल फ्रॉम अराउंड द विकेट, ओली रॉबिन्सन राइट हैंड बैट्समैन, ही गॉट LBW from around the wicket with the slower ball in a test match. I think it was at Lord's. Jis tarah ki wo jo wicket leta hai na, it doesn't matter. That's I think that's the true kind of sign of his genius.
is that he can bowl the ball that he bowled to Riza Hendricks in a test match, in an ODI, in a T20, and get a wicket off it. He can bowl the ball that he bowled to Jansen, which was a more conventional kind of reverse swing, tailing into your pads, but not Yorker length, a little bit like kind of good length. He can bowl that in a test match, ODI and T20, and get a wicket. He can get you edged out, caught at slip in a T20. He can get you bowled off a Yorker in a test match. Wo, he, uski ye genius hai, jo, you know, hum log Waseem bhai ki bhi yehi kehte the ki yaar, wo one day khel rahe ho ya test khel rahe ho, wicket unki waisi hi hongi. Ya to wo aapko new ball se out karenge kisi tarah se, ya aapko slower ball pe out karenge, ya bouncer deke out karenge. He bowls across formats in the same manner. He's quick, he's fast. The only thing, I think, in terms of jo uski skill hai, जो उसकी मास्टरी अभी चल रही है, उसका जो पीक अभी एक मोमेंट चल रहा है, उसकी क्रॉस फॉर्मेट जो जीनियस है ना, आई थिंक लाइक ही इज देयर विद विद वसीम इन 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 दोस टर्म्स, यू नो, द स्टफ दैट ही डज, द स्पेक्टिकल ऑफ वॉचिंग हिम, एक्सपेक्टेशन के कुछ करेगा और यही कुछ करेगा, दैट ही इज देयर. द ओनली डिफरेंस रियली फॉर मी राइट नाउ, टू थिंग्स. वन, आई लाइक वसीम अकरम्स हेयर मोर एंड आई लाइक हिज एक्शन मोर. आई लाइक द लेफ्ट आर्म विपी, you know, quick arm action. I always like that more. Lekin the other thing was just the longevity. You know, greatness, hum log jis tarah ki bhi bakwas karte hain greatness ke baare mein, usme thoda sa ek element hota hai hamesha of your longevity. Like, you have to do it over a longer period of time. The way we look at longevity now should change because Waseem ne khela tha do international formats mein. First class cricket mein kaafi lambi career thi Waseem ki, and that kind of factors in as well. You know, Lancashire ke saath jo Waseem ne kara hai, because at that time county cricket mein bade bade champions the duniya ke, it used to be like elite form of cricket, you know, at that time, and he performed superbly in that. Lekin Bumrah does that in the IPL, he does that in a third format, which is T20 international cricket, and he does it in tests and ODIs, you know. So we'll have to like kind of ek tarah se we'll have to scale, what's the right word I'm looking for, we'll have to proportionalize के बुमरा की लॉन्जेविटी क्या होगी इस मॉडर्न एरा में कंपेयर टू व्हाट वसीम सोल. वसीम प्लेड 20 इयर्स, 84 अंटिल 2003 वाज हिज लास्ट गेम, यू नो, 20 साल तकरीबन 19 साल खेले हैं. बुमरा प्रॉब्ली वोंट लास्ट दैट लॉन्ग, आई डोंट थिंक 20 इयर्स तो नहीं चलेगा. सो वी विल जस्ट हैव टू काइंड ऑफ गिव अ प्रोपोर्शन टू दैट, बट यू नो, ही माइट नॉट एंड अप विद 400 टेस्ट विकेट्स, बट हिज 300 विल बी एज आर्टिस्टिक एंड एज अमेजिंग एज वसीम्स, यू नो, इन दैट सेंस. तो he's up there, yaar. For me, he's up there in terms of watching a bowler, a fast bowler at his absolute peak. He's definitely up there. Do cheeze hain abhi, ek to ki kafi sare log jo data ki madad se cricket ko dekh rahe hote hain, wo yahi baat kar rahe the ki what makes Bumrah so special is ke aap apne era mein agar compare kare baaki logon se, to aur ye abhi pace bowling ka kafi zabardast era hai. कुछ लोगों की नजर में बेस्ट एवर है, द 90s आल्सो वाज अ ग्रेट एरा फॉर पेस बॉलिंग, मगर बुमराह रिकॉर्ड इज हेड एंड शोल्डर्स अबव एवरीवन एल्स. और इसकी तफसीलात के लिए किसी नर्ड को तंग कीजिएगा, मुझे मतलब ही बताया गया फ्रॉम पीपल आई ट्रस्ट, सम गो विद दैट. आई थिंक एक और चीज मेरे दिमाग में ये भी थी कि यू नो, तुमने लिखा था अपने एक आर्टिकल में कि बुमराह इज अ कंप्लीट आउटलायर, उस जैसा ना ही कोई इंडिया में खासतौर पे बॉलर आया था और ना ही लाइकली आएगा, जिसके सब की उसके यू नो हिज हाइपर एक्सटेंशन, हिज अप्रोच, हिज रन अप, यू नो, हम लोग ये बात कर रहे थे पाकिस्तान में आता तो सबसे पहले उसका एक्शन और रन अप लोग बदलने की कोशिश. बिल्कुल 100%, 100%. यू नो ही इज एन एनोमली, बट मैं दिमाग में मेरी एक बात ही आ रही थी, एक तो कि जस्ट टू कंटेक्चुअलाइज दैट, अर्शदीप बोल्ड एन एक्सलेंट ओवर, you know, I think पांड्या और हमने बुमराह की बात की, but Ashdeep gave me like 5 runs and I was thinking that's the over South Africa should have finished that. But you know, would have at least gotten more big hits, blah blah. He bowls an absolutely superb over, but Ashdeep was the archetype of Asian fast bowling for most of our lives, right? Like absolute zero swag. मुझे वो भी याद आ रहा था जोगिंदर शर्मा who bowled that famous over in the final and just kind of disappeared into police officer after that. तो ये कहने का मतलब नहीं कि अर्शदीप अच्छा बॉलर नहीं है और इंडियन बॉलर पहले अच्छे नहीं थे, ये वो, मगर वो ऑरा बिल्कुल भी नहीं था. और ये सही बात है कि बुमराह जैसा कोई आया नहीं, बट I've heard this from so many people just in Pakistan and I don't know how true it is in India, but
कि आजकल इतने सारे बच्चे सड़कों पे, गलियों पे, ट्रायल्स में, एकेडमीज में बुमराह वाले एक्शन से बोल कर, एंड डेफिनेटली अगर पाकिस्तानी यूथ कल्चर में आपका एक्शन पॉपुलर हो गया है, लाइक यू गेट अ लॉट ऑफ कूलनेस पॉइंट्स फॉर दैट, लाइक यू नो यू मेड इट. यू अगेंस्ट दैट. सो एंड फॉर एन इंडियन फास्ट बॉलर टू डू इट, लाइक हम लोग इतनी यू नो कोहली की हमने बड़े सालों से तारीफ की है, एंड हाउ मच पाकिस्तानीज लव कोहली. विराट, गेटिंग द प्रोनाउंसिएशन राइट फॉर सम ऑफ आवर कमेंटर्स, बट क्या कहते हैं कोहली की अगर आप बात कर रहे हो, बट यू नो लाइक बुमराह इज ऑल्सो नॉट जस्ट, आई मीन वही शाहीन ने जब तोहफा वगैरह दिया था, जो पॉपुलर पाकिस्तानी प्लेयर्स इज वेल, बट इज ऑल्सो यू नो समबडी दैट पाकिस्तानी किड्स आर लुकिंग अप टू, कि हमें इसकी जैसी बॉलिंग करानी है, विच इज फिनोमिनल फॉर एनी इंडियन बॉलर टू काइंड ऑफ अचीव, गिवन यू नो कि वही है कि दिस टू टू गेट टू दैट लेवल इज नॉट जस्ट कि आप सिर्फ अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, आप विकेट अच्छी ले रहे हैं, आपके स्टैट्स अच्छे हैं, इट इज कि यू आर प्रोवाइडिंग मोमेंट्स, यू प्रोवाइडिंग दैट एंटिसिपेशन, लाइक यार ये आएगा तो कुछ ना कुछ होगा, दैट्स रियली यू नो दैट इनटेंजिबल क्वालिटी जिसका आप कुछ कह नहीं सकते. थोड़ा सा बुमराह की तरफ से अगर हटके हम साउथ अफ्रीका की तरफ आए, एक चीज मैं ये सोच रहा था, मुझे बहुत अक्सर क्रिकेट से ना ये मसला होता है कि क्रिकेट इतना पुरानी स्पोर्ट है एंड हैज अ लॉट ऑफ लाइक इनहेरिटेड कन्वेंशनल विजडम, और सबसे बड़ी है कि जी क्योंकि एक टाइमलेस स्पोर्ट था, तो पहले यह था कि बैटिंग अगर आप कर रहे हैं तो जब तक बुरी बॉल ना आए आप कुछ नहीं करें, मतलब ये बुरी बैटिंग है कि आपने एक ऐसी बॉल विच वॉज नॉट डेयर टू बी हिट उसको खेलने की कोशिश की, उस पर रन बनाने की कोशिश, ये सोच क्रिकेट कब से लेता और चलता आ रहा है, आज भी जिंदा है, और हमेशा मतलब ना इवन दो T20 दैट्स चेंज इक्वेशन सो मच, इट कैन कम बैक टू दैट. आई वॉज रिमाइंडेड कि जब 99 एट बेस्टन सेमीफाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप, लांस क्लूजनर नीडेड 9 रन ऑफ द लास्ट ओवर, एंड उसने फ्लेमिंग को पहली दो बॉल पे ऐसे चौके मारे लाइक वो ट्रेसर बुलेट, दैट दैट इज द ट्रेसर बुलेट, यू लुक एट बोथ ऑफ देम डिस्ट्रॉयड इट, नाउ दिस वन ऑफ फोर, एंड नाउ क्रिकेट्स विजडम की यार चार बॉलें क्यों जाए, मतलब सबको खेलने की जरूरत नहीं है ना, जो बुरी बॉल आएगी उस पर रन बनाना, एंड यू काइंड ऑफ ओवर थिंक दिस व्हेन दे वर एट 30 for 30, 25 25. सो यही सोच रहा था कि यार बुमराह का ठीक है, बुमराह ने विकेट भी ले ली मगर गुजर गया ना ओवर, अभी आपके पास बाकी भी तो ओवर है, यही खत्म कर दो मैच, ये सिंगल डबल से नहीं होगा. एंड आई फेल्ट फॉर साउथ अफ्रीका हु रियली रियली आउट परफॉर्म्ड ऑल एक्सपेक्टेशंस इन दिस टूर्नामेंट. ठीक है उनके मैचेस कुछ लोग कहते कि जी बड़ी वो बुरी पिचेस पे हुए थे और इसलिए उनकी यू नो देयर सस्पेक्ट बैटिंग वाज एबल टू गेट अवे विद इट, आई मीन दे पुट अप अ प्रीटी डिसेंट फाइट इन द फाइनल, दे वर जस्ट हिट अवे फ्रॉम इट. आई थिंक हमें वापस आके सूर्या कुमार यादव के कैच के बारे में भी बात करनी चाहिए, बट अभी साउथ अफ्रीका पे अगर हम गौर करते रहे यार साउथ तो अफ्रीका जो. हाँ गो ऑन, यू गो ऑन, सॉरी फिनिश, आई थॉट यू वर या डन. तो मैं बस ये कहता कि उनका मुझे जो लगा था ना कि यार आपने अक्षर के खिलाफ इतना जबरदस्त ओवर किया है, लाइक राइड दिस मोमेंटम आउट, लाइक बिल्कुल भी सेंस नहीं बनती कि आपके पास विकेटें भी पड़ी हुई है, लाइक यू नॉट, देयर इज नो पॉइंट इन टेकिंग इट डीप, देयर इज नो पॉइंट इन नाउ ट्राइंग टू टेक सिंगल्स एंड डबल्स, क्योंकि मतलब प्रेशर ना भी हो तो एक चीज अगर आपके लिए काम करी, यू शुड स्टिक विद दैट, स्पेसिफिकली है वेयर देयर इज प्रेशर, लाइक यू नो इफ यू आर लुकिंग फॉर सिंगल्स एंड डबल्स देन योर प्रोपेंसिटी ऑफ गेटिंग अ डॉट बॉल is likely to increase, propensity of like you know getting a bit panicky, वो single lane, double lane, like I think at least एक दो runs थे जो उन्होंने नहीं लिए, where they could have, if they had run harder they would have done it, so वहाँ पे I feel एक बहुत important चीज़ खास तौर पे T20s पे है कि you if you're like unless पूरी चीज़ ही आपकी बड़ी रोक टोक के गई है, you have to rush to the end, it's like there is you know and that's why a lot of bowlers वो कि 1900 over या पहले बुमराह को ले आए, because उनको इंडिया की यही सोच थी कि अगर हम यहाँ पे होते तो हम यहीं पे मैच खत्म करने की कोशिश करते, सो लेट्स सेट आवर बेस्ट बॉल देयर, एंड आई फील यू नो साउथ अफ्रीका इवन सर्वाइव दैट एंड देन कुड हैव एंडेड इट दे डिड. उसमें मुझे लगा यू नो थोड़ी सी दैट वाज अ फंक्शन ऑफ के उनकी उनकी टीम लाइनअप ही ऐसी है, पूरे टूर्नामेंट में ये चल रही थी, बिकॉज दे वर प्लेइंग विद यू नो स्पेशलिस्ट बॉलर्स एंड स्पेशलिस्ट बैटर्स, वो इतना ऑलराउंडर, अनलेस जैनसन को आप यू कंसिडर मे बी एन, या आई डोंट थिंक इज बैटिंग राइट नाउ इज एट एन ऑलराउंडर लेवल, बट प्रॉब्लम ये थी कि जब क्लासन आउटडोर. हाँ फाइनल में तो वो ऑलराउंडर नहीं नो राउंडर था, लाइक वो बॉलिंग भी था बैटिंग भी, एग्जैक्टली ही वाज अ नन ऑलराउंडर, नन राउंडर, लेकिन यही प्रॉब्लम हुई ना, बिकॉज क्लासन जब आउट हुआ उसके बाद जैनसन आया और फिर महराज आया,
So you're immediately you're going from क्लासिक टू नो बैटिंग. बट नहीं, बट क्या रबाडा पता, की वो उस लेवल की बैटिंग नहीं है ना. लाइक जैनसन यू वुड स्टिल सेंड ओवर रबाडा. द महाराज थिंग दे वर डूइंग वाज दैट दे कुडंट अगेंस्ट दैट बोलिंग. उनके पास फिर बैटर ही नहीं थे. इट वाज ऑल डाउन टू मिलर. सिर्फ पूरे बेसिकली पूरी गेम मिलर पे आ गई थी. उस पे मुझे वही लगा था. और आई एग्री विद यू कि भाई बुमराह को ओवर था, अगर हम रबाडा को भेजते हैं तो वो 2 विकेट ले लेगा, महाराज को भेज दो एटलीस्ट वो ओवर निकाल देगा. ठीक है, आई थिंक फिर आपको महाराज को कहना चाहिए था, बेटा जो भी हो ना लास्ट बॉल पे सिंगल नहीं लेना, चाहे तो कितने फरिश्ते बोले आने को, तुम नहीं लेना. दैट वाज द स्टूपिडेस्ट थिंग ही कुड हैव डन. दे टेक कीप मिलर अवे फ्रॉम स्ट्राइक एंड देन लाइक महाराज कांट इवन गेट अ सिंगल नाउ. एंड वहां पे एट द वेरी अगेन बॉलें कम रह गई हैं भाई, घुमा दो. लाइक यू नो कि अगेन ये जो क्रिकेट की वो आई फील T20s में ये सोच आपको हमेशा ले डूबती है, खास तौर पे इन क्रूशियल एरियाज में. यू नो दैट दैट फॉल्स रियलिटी के जी जो क्रिकेट की बेसिक्स है ना, आप वो सही करें तो आप किसी भी फॉर्मेट बेसिक सही करें अपनी. नो T20 में इज नॉट अबाउट गेटिंग योर बेसिक्स राइट. आई फील वी गेट अ लॉट ऑफ प्रूफ ऑफ दैट. आई थिंक विराट्स इनिंग्स माइट एंड अप गिविंग दिस आर्गुमेंट अ लिटिल बिट मोर लाइफ फॉर अ फ्यू मोर इयर्स. मगर एंड ऑफ द डे लाइक आई फील कि यू नो साउथ अफ्रीका ने वहां पे ठीक है, इट वाज एज यू सेड इट वाज अ फंक्शन ऑफ द बैटिंग स्ट्रगलिंग व्हाटएवर, बट दे आई फील दे लॉस्ट देयर इंटेंट और दैट वाज इट. लाइक यू नो मे बी जो महाराज मिस I कर would still say कि more than loss of intent, it was a drastic drop in capacity. क्लासन के बाद, literally क्लासन और मिलर के बाद, उनकी पूरी टूर्नामेंट में यही सीन थी ना. लुक एट द आयरनी, द ग्रेट आयरनी अबाउट साउथ अफ्रीका टीम इन दिस टूर्नामेंट वॉज कि वो फाइनल से पहले 6-7 मैचेस जो जीतते हुए आए हैं, वो तकरीबन हर मैच 80-90% ऑफ देयर गेम्स दे वन वेरी टाइट क्लोज गेम्स. Where somehow their batting would pull through somehow at one point, or their bowling would pull them through, or their fielding would pull them through. And मुझे लग रहा था कि यार ये maybe they're like ridding themselves of this choke thing. Like maybe this is how they're gonna do it. कि हर मैच वो टाइट जीत जीत के टाइट जीत जीत के उन्हें एक थोड़ी सी मसल मेमोरी बन जाएगी कि अच्छा जब टाइट सिचुएशन आएगा ना, विल पुल आउट समहाउ, विल पुल आउट समहाउ. लेकिन एंड यू नो एज मच एज लाइक यू वॉन्ट टू से कि चोक हुआ है और ये टाइट सिचुएशन में नहीं वो पुल आउट कर सके, यू जस्ट हैव टू एक्नॉलेज कि एट द अदर एंड वन वॉज 2 ओवर्स ऑफ बुमराह, विच आर द टू टफेस्ट ओवर्स इन इन वर्ल्ड क्रिकेट एट एनी स्टेज. एंड वन वॉज एन ओवर फ्रॉम पांड्या. आई थिंक पांड्या की जो नैरेटिव है बहुत मुश्किल है अभी टू बीट दैट नैरेटिव, गिवन द काइंड ऑफ यू नो 4 or 5 months दैट ही इज हैड इन हिज लाइफ इन हिज करियर. उसका बहुत ही बुरा टाइम गुजरा है. एंड आई नो कि उसने अपने जो मूछ वूछ छोड़ दी और बाल ऐसे कर रहा था और लग रहा था कि बॉम्बे टॉकीज का कोई पोस्टर बॉय आया है नया, कि उसकी यही फोटोशूट होने वाली है, यू नो, कि राज कपूर की नई फिल्म स्टारिंग हार्दिक पांड्या और समथिंग लाइक दिस, यू नो. आई फील लाइक कि उसकी जो किस्मत एक तरह से है कि उसने इस टूर्नामेंट में रन में भी बनाए हैं और फिर क्रूशल विकेट्स भी लिए हैं. उसने पाकिस्तान के खिलाफ 2 क्रूशल विकेट्स ली थी. उसने इसमें ही टुक दी बिगेस्ट विकेट, लाइक दैट वॉज दी मैच चेंजिंग विकेट वॉज क्लासन. जो उसके साथ जो बुरा हुआ है था ना आईपीएल में, वो सब कुछ इस बार अच्छा हुआ है. तो यू हैव टू काइंड ऑफ बैलेंस साउथ अफ्रीका चोकिंग विद द फैक्ट दैट यू हैड वन वेरी स्ट्रॉन्ग नैरेटिव फोर्स गोइंग अगेंस्ट यू विच वॉज हार्दिक पांड्या, एंड टू यू हैड बुमराह अगेंस्ट, यू नो, 2 ओवर्स अगेंस्ट यू. जस्ट टू क्लैरिफाई, मैं ये नहीं कह रहा था कि वो उन्होंने चोक किया. लाइक आई फील कि दैट वाज वेरी क्रिकेट की जो अपनी मनहूस लॉजिक है वो उन्हें ले डूबी, हाँ उन्हें नहीं करना चाहिए. और दूसरा कि हार्दिक पांड्या का भी नैरेटिव और साउथ अफ्रीका का नैरेटिव भी बदल जाता अगर डिपेंडिंग ऑन विच वे यू वांट टू लुक एट इट, कि या तो सूर्य कुमार को कैच नहीं लेता या थर्ड अंपायर थोड़ी और मेहनत करता. मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आई थिंक एक वर्ल्ड कप फाइनल की इतना क्रूशियल अमेजिंग कैच इस बात पे रुकता कि जी आपका फीता छू रहा था बाउंड्री को, वुड हैव बीन जस्ट एब्सोल्युटली हॉरिफाइंग ब्यूरोक्रेसी. बट आई वांट टू आस्क यू दिस उस्मान, इज दिस एन आर्ग्यूमेंट फॉर लाइक कॉन्टेक्स्ट के साथ में देखा जाए और स्किल और difficulty, the greatest catch in cricket. Like, has any catch Yeah, specifically it had such a big impact and been so aesthetically brilliant, skillfully brilliant?
There's been some brilliant catching in this World Cup, by the way. Aidan Markram ke apne ek do catches hain is tournament mein, crucial moments pe jo usne pakde hain, which have turned games around, Bangladesh ke khilaaf, phir England ke khilaaf. Magar ye jo catch tha na, final over of the World Cup final match. Haan, yeah, yeah, bilkul. Ye jo catch tha na, aur Indian uncles jo hain, wo mujhe pata bhi hai, aur no doubt unhone kara bhi hoga, compare kara hoga Kapil Dev ka jo catch tha 1983 ke final mein, which was equally seismic at that time, you know. Or aap agar aaj dekhte ho Kapil ka catch running back from mid wicket, it's actually still, even to this day, it's a very good catch given the pressure and all. Magar phir aap Surya Kumar ka jo catch dekhte ho na, Sky ka jo aap catch dekhte ho, this is a different level of athleticism and evolution. Agar aapko dikhana pade do videos mein, do clips mein, agar aap dikhaye na ki fielding kahan se kahan gayi hai in the last 40 years, to aap yehi karenge. Kapil Dev ka, you don't show the worst fielding, you show the best fielding from that time, and you show the best fielding from this time, under pressure, crunch situations. I want to say, I think wo baat bilkul sahi hai ki us apne zamane ke liye Kapil's catch was as remarkable as Sky's today. Yeah. But us waqt Viv ko jab inhone out kiya to match, or yes, it was Viv and this was a very different format, but the form of the format us waqt Viv tab bhi, the pressure was not as sky high, excuse the pun. Jo is point tha, wo literally, kyunki main ye soch raha tha ki Miller khada hai, agar usne pehli ball pe chhakka maar le raha tha, I would have really put, you know, I would have felt confident ke edge push kar kar aake, they would have gotten a lot closer and maybe pulled it off. Like 15 is still huge final over. But you start off with the first ball six, Hardik had bowled full toss. You know, it was just just imagine for a second, yeah, the clarity of thinking that you need to pull off a catch like that at the least pressure of times. You know, jab sab kam as kam pressure hona, ye catch kitna mushkil hota hai ki aap bhag rahe hain, aap boundary ko dekh rahe hain. Aur aaj Sky ne baat kari hai, kal baat kari thi, I think catch ke bare mein, he's saying ke he decided to go all out for the catch because long on pe, Miller ke long on pe, Rohit khada hua tha. And he figured out, ye sab uski thinking hai, he figured out ki Rohit actually is too wide for him to relay catch to him. Usse pata tha ki yaar Rohit nahi aa sakega time mein, to I'm not going to relay to him, I have to do this by myself. Ye uski soch chal rahi hai. And this is like, it's almost instinctive, right? Aap foran se ye sochte, you make this decision and you go. And to take that catch, like, yeah, just forget that it was Miller, forget that it was the final over, forget that the six could have changed that result. Forget everything. Forget how close it was to the boundary. It is just a phenomenal take in the most ordinary of times. But when you add on all this context, uski agility, uski quick thinking, uski clarity of thought to kind of do that and come. Yeah, Pakistaniyon mein abhi kaun leta hai aise catches? I know I keep coming back to Pakistan, which is the worst thing to do. In fact, forget it. We're not going to go there. Yeah, we'll just forget that. Forget it. There's no point. Ye conversation ko hum pollute kar rahe hain. This was one of the all time. Jaise Travis Head ka catch tha na World Cup final mein, jo Rohit ko usne out kara tha. And we say ke yaar Australia ko to hum expect karte hain ye karna. I still would not have expected India ki fielding mein jitni bhi improvement aayi hai. Bahut improvement aayi. They're a top class fielding nation now. Like they're up there with the best of them. I still would have thought ke yaar ye catch aap drop kar sakte hain because it's a very, very difficult catch to take. And he pulled it off absolutely amazing. Main ye bhi admit karunga ki jo pehli baar maine replay dekha, mujhe bhi laga ki boundary ki thodi si wo jo buffer hai wo thodi si hili thi. Aur tum jo ye keh rahe the ki yaar is technicality pe agar rule out ho jata to acha nahi hota. Yaar, look, the rules are the rules, right? If they found it, no, I'm sorry, if that's a six, if he had touched it, the rules are the rules. Like, agar obvious ho, ye jab aa jata hai na ki teen molecule le lete ho, aur aapne camera to isliye, aapne replay isliye laya na taki aap obvious bana do. Abhi jaise pichle din Euros mein Denmark khel raha tha, kisse, who did Denmark lose to, yaar, Germany, to uska jo offside tha, he was offside by a toe. I mean, once you decide to bring in VAR and AI-generated VAR, so then your offside is offside, sadly. Not as precise, I would firstly say. And the second thing is that, yes, people say, I think, aksar jo
जो टीवी रिप्ले से स्पोर्ट्स में बात आके जो फाइंड मोस्ट रीजनेबल, इसके कंक्लूसिव होना चाहिए फॉर यू टू ओवरटर्न अ डिसीजन। एंड यू नो लाइक आई थिंक एक कंक्लूसिविटी को ढूंढने के लिए जब आप बहुत ज्यादा बारीकी में जाते हैं, द टेक्नोलॉजी इज नॉट गुड इनफ टू सपोर्ट लेवल ऑफ मैनुअल। माय ओनली ओनली थिंग, आई डोंट डाउट द कैच बाय द वे, माय ओनली थिंग दैट आई वाज स्लाइटली सरप्राइज्ड बाय वाज कि रिचर्ड कैटलब्रैन ने सिर्फ एक एक रिप्ले देखा एक एंड से एंड ही वाज लाइक लेट्स मूव ऑन। आई थॉट अगर अंपायर होता ना तो आप थोड़ा सा और एक दो और रिप्ले आप देखते, जूम इन करते, कुछ करवाते आप और फिर जज करते। बट या एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे बाय द वे, इवन इफ इट हैड बीन अ सिक्स, आई थिंक दे मे नॉट नेसेसरली हैव वन दैट बिकॉज दे स्टिल नीडेड, दे वुड हैव नीडेड नाइन ऑफ दैट ओवर, स्टिल नाइन ऑफ फाइव, व्हिच इज स्टिल नॉट इजी, यू नो। वो वही मुझे अक्सर जो बाद में वापस की बात आती है कि आई थिंक इन सम टाइम्स इट्स बेटर टू नीड 15 ऑफ 6 देन टू नीड 7 ऑफ 6 बिकॉज देन यू आर जस्ट स्विंगिंग और आपकी मिस हिट भी कहीं ना कहीं चली जाती है। जब आप वो सोच रहे होते हैं कि मैं अच्छा सिंगल डबल पे, आई फील दैट्स माय टेक ऑन इट एटलीस्ट, के फॉर मोस्ट पीपल यू स्टे इन दैट वो। बट आई थिंक कमिंग बैक टू इट ऑल्सो कि वो जो आई थिंक अगेन वो कैच में किसी पॉइंट पे जो जो रिप्लेस हो रहा था उसको इतनी जल्दी हुआ, जबकि मुझे इसलिए लगा क्योंकि आई थिंक इसी मैच में कोई रन आउट था जो डिकॉक ने लिया था और वो बहुत नजर आ गया था रन आउट है। ब्रिंग इट बैक, ओके स्टॉप इट, शो मी द व्हिच व्हिच फिल्म स्टॉक वाज यूज्ड, फिल्टर इज अलाउड, ओके नो। अबे भाई हो गया रन आउट यार, और छक्का आपने कहा ठीक है भाई खुदा हो गया यार। वो भी वैसे बड़ा जबरदस्त रन आउट था क्विंटन का, अक्षर पटेल को आउट करा था, क्रूशियल क्रूशियल रन आउट ऑफ अक्षर पटेल। इट वाज अ ग्रेट फाइनल एक्चुअली। द ग्रेट थिंग दैट फाइनल वाज दैट साउथ अफ्रीका वर क्लियरली द इनफीरियर साइड बट दे वर लैंडिंग दीज ह्यूज ब्लोस एंड इंडिया इतनी अच्छी टीम थी कि वो कभी मैच से बाहर नहीं हुई। और मतलब ना कि वो बड़ी बड़ी टीमें तीन विकेट पावर प्ले में हो जाए फाइनल में वहीं बैठ जाए, वो नहीं कम बैक कर पाए। इंडिया एक्चुअली इन हाइंडसाइड यू कैन सी वाज नेवर रियली आउट ऑफ द गेम एट एनी पॉइंट, और वो उनकी अच्छी मतलब कारकर्दगी का वो है। बट लाइक आई थिंक साउथ अफ्रीका वर ब्रिलियंट, लाइक दे came to this final and then they lived up to like you know the best that they could play. aur wahi aapko nazar aa raha tha ki unki kitni khamiyan hain, how brittle the batting was, how reliant they were on a few players, but they made a great final out of it given dono teamon mein. jaise pichla world cup odi final tha, both teams were actually quite close but it was the shit final. yahan pe india was far superior but south africa, and of course the format makes a difference, but South Africa also really didn't fluff their line. तो उन्होंने जो भी कर सकते थे अपनी तरफ से किया और नहीं it's because it's not that good a team in this format. Yeah, I agree completely. You know, just thinking through all the moments that made this such a great final. Kohli का 17 run over जो उसने Jansen के खिलाफ करा, Quinton getting out when he did one ball after hitting the same ball for a six. वहाँ पे fielder आ गया, got out the next ball. You know, there was just so much happening. Akshar being run out, lazy run out by Quinton de Kock's brilliance. It's just something everywhere. Even like, actually, Rohit ki jo wicket thi, pehli jo Maharaj ne li thi, sweep pe, that was a really good catch that Markram took. And there was just like quality cricket throughout that final. Crazy thing, ke nahi sirf ke South African spinners ne achi bowling karai, but out of all the teams in this World Cup, or maybe I missed some matches, but I felt South Africa looked the most comfortable against the Indian spin trio. जो काफी मतलब खतरनाक जो रहा है इसमें, देयर आर ऑफरिंग सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। साउथ अफ्रीका वर डिड नॉट सीम ट्रबल्ड बाय देम, यस लाइक दे वर गुड बॉल्स ब्ला ब्ला, बट जिस तरीके से स्पिन टैंडम ने और लोगों को यू नो रोका था, दे प्लेड देम रियली ऑब्वियसली। क्लासन हैज अ गुड रिकॉर्ड, बट आई डिडंट थिंक आईड हियर दीस सेंटेंसेस राइट, कि द इंडियन स्पिनर्स वर न्यूट्रलाइज्ड बाय साउथ अफ्रीका। यार वही शुरू में वाकई में लग रहा था कि यू नो दे मेड 170 एंड सम पीपल लाइक यार कोहली थोड़ा स्लो खेल गया, कम रन, दे हैव लेफ्ट रन्स आउट देयर एंड स्टफ, बट देन यू थॉट कि यार अगेंस्ट बुमराह एंड नॉट जस्ट बुमराह बट कुलदीप, बिकॉज कुलदीप हैज बीन सो फिनोमिनल दिस ईयर, यू थॉट कि यार अगेंस्ट बुमराह एंड कुलदीप तो ये फंसेंगे, बट कुलदीप को द वे दे प्लेड, कुलदीप एंड अक्षर खत्म कर दिया था उन्होंने एकदम, देंगे दे वर देयर, क्लासन वाज देयर मैन, क्लासन मिलर हैड टेकन देम टू द वेरी वर्ज। द One guy actually who retired the day after Kohli and Rohit did, जिसका बहुत ही बुरा टूर्नामेंट गया, anonymous टूर्नामेंट गया, वो वहां का जो इमाद वसीम है, सर सर रवि जडेजा,
who has had a pretty poor tournament throughout, but somehow has kind of escaped and played, man, throughout the tournament. Ravindra Jadeja, I feel, you know, वहाँ पे एक बंदा था जैसे I think of him and Suresh Raina as the two pupils of MS Dhoni. I was thinking of. और ये था कि सुरेश रैना में कोई स्वैग नहीं था और मुझे बड़ा मजा लगता है सुरेश रैना वाज लाइक हैड दोस बिग मोमेंट्स ओवर एंड ओवर अगेन पाकिस्तान के खिलाफ सर वर्ल्ड कप सेमीफाइनल यू नो ही हैड द ब्रिलियंट मस्टैश और उसकी वो तलवार वाली सेलिब्रेशन और ऑलराउंडर बेस्ट फील्डर इन द वर्ल्ड जडेजा की बड़ी हाइप थी बट I feel that, you know, maybe he never delivered the same way. And one reason that, like, you know, Raina jo bhi tha, was big moments aa rahi hai, but he always looked the same. What was Jadeja doing with that stupid, like, thela baandh ke apne baalon pe jo aa raha tha, ki, bro, aap itne cool nahi hai, okay, aap ye sab kar. Like, you know, with Hardik, you said that he looked like a Bombay Talkies. Like, Hardik looked like the impersonator of the Bombay Talkies star. Ki, matlab na, ki, yeah, usne wohi baal karaye hain, but it's looking awful. Like, him and Jadeja... वो था कि भाई वाव दे आर गोइंग थ्रू समथिंग एंड हार्दिक वी न्यू वाज गोइंग थ्रू या हार्दिक वाज लुकिंग लाइक ताजदार फ्रॉम हीरा मंडी आई डोंट नो इफ एनीवनस वॉच्ड इट और नॉट बट आई फील दैट्स लाइक द फाइनल लुक फाइनल में जो उसकी लुक हां फाइनल वाली हु माई कॉम्प्लीमेंटिंग देयर आई डोंट नो आई थिंक यू आर कॉम्प्लीमेंटिंग हार्दिक बट आई वुड गो फॉर फाइनल पहले भी जो उसने बाल-बाल कटाए हुए थे चलो उसका तो आपको पता ही है जडेजा इज लाइक द वर्ल्ड्स बेस्ट टेस्ट ऑलराउंडर ओके वो ऐसे कोई फारिग प्लेयर नहीं है मैं ये नहीं कह रहा कि वो प्लेयर अच्छा नहीं था बट ये था कि मैन इवन ब्रैडमैन कांट पुल ऑफ दैट लुक दैट यू आर पुलिंग ऑफ लाइक यू आर जस्ट No one is good enough to have that stupid a hairstyle. Like, I'm sorry. Jadeja, can I just go through his figures for this tournament? He played all eight games. He played all eight games. In five innings, he scored 35 runs. And he took... Achha, tum guess karo, Ahmed usne kitni wicket liye aath matches mein. It's actually not bad. Six? 12? 6? आठ मैच में उसने एक विकेट लिया I mean, रवि जडेजा का यू नो गुड ऑन हिम फॉर गेटिंग दैट ट्रॉफी बट एंड रिटायरिंग ऑन अ हाई रिटायरिंग ऑन अ हाई मगर क्या कहते हैं कि इंडिया के बाकी प्लेयर्स खास तौर पे द वंस हु वुड लाइक यू नो अलोंग विद जडेजा हु मिस्ड ऑल ऑफ दोस बट आल्सो दैट यू नो कोई ओवरड्यू भी था कि दे गॉट सो मेनी यंगस्टर्स not even youngsters anymore but younger players jo phase hue the but ab you know sky maine aur td ne uska bahut najayaz mazak udaya tha pure tournament because man and chima aur woh ke nahi sky bada zabardast hai but you know usne hamare mun pe thappad mara I think rishabh pant amazing to just see him back playing cricket again magar yaar ab aur jo sab aayenge jaiswal ne khela hi nahi is tournament mein रिंकू सिंह आएगा शिवम दुबे ने इनिंग्स खेली हैं अक्षर इज गोना टेक ओवर फ्रॉम जडेजा नाजायज क्योंकि आई फील यू नो ऑब्वियसली कोहली को वो जाएंगी ऑल द काइंड ऑफ प्रेज एंड ऑब्वियसली उसका आखिरी मैच था एब्सोल्यूट लेजेंड ब्ला 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 एंड बुमराह की हमने बड़ी तारीफ की बट अक्षर पटेल मैन ही केम इन एंड ही रेस्क्यूड दैट इंडियन इनिंग्स आप जितनी भी कोहली की तारीफ कर लें अगर अक्षर पटेल चौके नहीं मार रहा होता तो कोहली की इनिंग्स ना ही वहां तक पहुंचती ना ही उसका वो फायदा होता यार अक्षर का बड़ा रोल है इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ जो ओवर उसने कराया था इमाद वसीम के खिलाफ क्रूशल ओवर जो माशाल्लाह इमाद वसीम एक शॉट बारी 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 खेल खेल के मिस कर रहे थे उस्मान को क्या मनहूस शौक है कि भाई नहीं बात करनी पाकिस्तान से यार क्यों लाइक 100 और चीजें बात करने को वो तीन हफ्ते से उन्होंने इस वर्ल्ड कप भी नहीं खेला है मैं अक्षर की बात कर रहा हूँ अक्षर ने एक बहुत बहुत आउटस्टैंडिंग कैच लिया बाउंड्री पे इन दिस वर्ल्ड कप ही हैड लाइक ही हैड अ रियली रियली गुड वर्ल्ड कप एंड द स्केरी थिंग इज दैट इंडिया हैव पोटेंशियली बेटर प्लेयर्स इन वेटिंग रिंकू सिंह जयसवाल यू नो ऑल दीज गाइज आर गोना कम इन एक उनका मैं नाम भूल रहा हूँ उसका इस बार जो आईपीएल में जिसने 155 156 यादव
Mayank Yadav, kya naam tha? I can't believe I forgot his name. Fastest bowler basically going. They've got like, yeah, it's crazy that they haven't won more. I guess that was the crazy thing for so long. Is ke maine yehi socha tha pichli dafa bhi ki acha agar India jeet gaya kya baat karenge, aur ek yehi thi which you started off with, ke inevitable tha. Aur humne pichle jo bhi shows utha ke dekh le 100 dafa structural or revenue or resource issues pe India ki tanqeed ki hai, so I didn't want to rehash that over here. I think those, we have those bona fides. Magar ye tha ke, yeah, this was like a team that has been excellent across all formats for a very long time. Aur kya kehte hain ke choti choti cheezon mein bhi, I think shayad pichle like 2017 mein jab main India ki final mein kuch decisions wagaira dekh raha tha, and there's quite a few which you could like critique them in the previous few World Cups as well, but I felt this time around they were also really pushing themselves. So ye nahi tha ki bhai hum log haar gaye, bewani ho rahi hai, ye ho rahi hai. They really, as you pointed out before, ke apne aap ko evolve karte rahe hain, aur matlab ke bahut they've lost because of either some like crazy performances, some, you know, ek do dafa theek hai unhone bura khela hai, but ek do dafa dusri team ne bahut zabardast khela hai aur us wajah se wo nahi jeete the. So it was due. I hope the moment is sweet for all Indian fans. It's going to be matlab ye hai ki waise hi internet pe itna bura waqt aaya hua tha, but aur gandagi phailegi, but mahol mein bhi climate change chal raha hai to aalodgi internet pe bhi aayegi, but yeah, huge victory for India, long overdue victory for India, lots of congratulations to India. Usman aur meri taraf se हमें भी कॉन्ग्रेचुलेशंस हो, बिकॉज हमने बाकायदगी से हर हफ्ते विद इन अ वीक किस्तें निकाली हैं. वी लास्टेड लॉन्गर इन दिस टूर्नामेंट देन पाकिस्तान डिड, व्हिच सो डिड द यूएस. हार्ड टू क्लियर, बट वी क्लियर. सो डिड द यूएस. माय गॉड मैन, जीसस, द यूएस क्रिकेट टीम प्रोबब्ली लास्टेड लॉन्गर देन बाइडेन्स कैंपेन. उनका तो बहुत ही बड़ा है, बट एनीवेज, that's it for Patta Fast. We'll be back very soon. Take care. Bye bye.